सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। एंड पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो है विलेजर से ट्रेड की थी थोड़ी बहुत, एंड अपना आर्मर को जो है इंचेंट किया था, ये देख सकते हो, एंड अपने बो को भी इंचेंट किया था। सो आज जो है मैंने अपने विलेजर्स के लिए सोचा है, बिकॉज मैंने ना काफी जो बाकी सारे विलेजर्स देखे थे उनको मैंने ट्रैप कर दिया है उनके घरों के अंदर। सो एक विलेजर यहाँ पे आवारा घूम रहा है, पता नहीं कहाँ पे है वो, और अभी तक तो नहीं दिख रहा मेरे को। सो अभी मैं उनके लिए ना, अगर मैंने पिछले वीडियो के अंदर ना काफ़ी सारी वुड इकट्ठी की थी, मैं सोचा था कि उनके लिए यहाँ पे एक हॉल बनाऊंगा, उसके अंदर फिर उनको रखूंगा, बट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज ये माउंटेन है एंड यहाँ पे उनको ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल है। सो इससे अच्छा मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे एक अंडरग्राउंड बनाने वाला हूँ जगह, जहाँ पे मैं उन सभी को करूँगा, जो इजी होगा काफ़ी सारा। पर उससे पहले अपने जो आर्मर है पिकेक्स, आर्मर को तो इंचेंट है, पिकेक्स को इंचेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे 30 XP है एंड पिकेक्स एक्स पे देख रहे थे क्या मिल रहा है। एफिशिएंसी 3 मिल रही है, नॉक बैक 2 मिल रही है, जो कि मैं नहीं लेने वाला। भाई यार, मैं इस पर एफिशिएंसी 3 ले रहा हूँ पिकेक्स पे अपनी, एंड लेट्स गो। एंड सिल्क टच मिल चुका है मेरे को, ओके नॉट बैड। मेरे को एक और पिक्स बनानी पड़ेगी अब, जो कि मेरे को नहीं चाहिए थी वैसे तो। ओके सो अभी मैंने ओके मेरी पिक्स काफ़ी अच्छी लग रही है बाद में। अभी मैं देखने जगह एक जगह देखता हूँ जहाँ पर मेरे को ये ना सारा बनाना है, एंड मेरे को यार आयरन की बहुत नीड है। सो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आयरन लेने जा रहा हूँ कुछ। सो एक केव देखनी पड़ेगी मेरे को, कोई बिकॉज सारी केव यहाँ पे घटिया घटिया, कहीं पे भी आयरन नहीं है। ओ यहाँ पे हेबल्स है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स गो इधर देखते हैं कुछ अगर मिलता है हमको तो। ओके यहाँ पे कॉपर है, ओ यहाँ पे आयरन है काफ़ी सारा, इसको तोड़ते हैं फटाफट से। एंड ओके नेवर माइंड, मैं तोड़ रहा हूँ। ओ यहाँ पे और है क्या सही में? काफ़ी सारा मिल गया यार, ओके नाइस, अच्छी बात है। एंड भाई मेरे को क्या यार, स्टोन और आयरन बहुत बुरा है। एंड यहाँ से ना मैं एक काम करने वाला हूँ यहाँ पे, ओ माय गॉड भाई क्या बोलूँ अब मैं यार, क्या है घटिया। सिल्क टच क्यों मिल गया यार, इसे जब फॉर्च्यून दे देते वो ज़्यादा अच्छा रहता और ज़्यादा आयरन मिलता मेरे को, बट नहीं इनको तो यार क्या बोलूँ मैं। ओके नो प्रॉब्लम, अभी मेरे को घर जाके जो है इसको तोड़ना पड़ेगा, देखते हैं मेरे पास कोई पिकेक्स वगैरह पड़ी होगी तो तोड़ लूँगा। लेट्स सी मेरे पास कोई पिकेक्स वगैरह पड़ी है कि नहीं, सो आई थिंक सो नहीं, इसमें नहीं। ओह यहाँ पे आयरन पिकेक्स पड़ी है एक, जिससे कि मैं तोड़ सकता हूँ। एंड इसको सबसे पहले एक ऑफ हैंड में रखता हूँ, एंड ओके मेरे को सारा आयरन मिल चुका है एंड मेरी पिकेक्स भी टूट गई है, अच्छी बात है। एंड इधर ये रख देते हैं आयरन कुक होने के लिए, क्या कह रहा हूँ मैं यार। और इसके बाद अभी मैं एक ना जगह ढूंढने वाला हूँ जहाँ पे मैं अपना अंडरग्राउंड बेस बनाने वाला हूँ, विलेजर्स का आई मीन बेस जो भी है। एंड मैं यहाँ ऊपर नहीं बनाने वाला, क्योंकि ऊपर भाई नीचे विलेजर्स हैं। सो वहाँ कहीं पर मैं बनाने वाला हूँ इस बेस को। ओके लेट्स गो, देखते हैं अभी कहाँ भी बनाना मुझे बेस। सो के गाइज, मैं जो अपना विलेजर्स का जो बेस बनाने वाला हूँ वो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, एंड यहाँ से उसकी एंट्रेंस होगी। तो ये तो ब्लॉक्स मैं डिक कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लगा ऊपर ट्रैप डोर लगाने वाला हूँ, बट यार विलेजर्स को भी तो लेके जाना है, तो फिर क्या करना चाहिए मेरे को। हाँ सो अभी मेरे को पहले यहाँ पर नीचे जाके ना इनके लिए एक रूम बनाना पड़ेगा, ताकि इनके लिए जगह बने यार। थोड़ा सा और नीचे जाना मुझे, आ शेट क्या है, बहुत घटिया, बहुत घटिया ये चीज़ है, इतना इनफ है। एंड इनके लिए मेरे को यार ये काफ़ी बड़ा रूम बनाता हूँ मैं तो, सबसे पहले हर तरफ से इसको एक्सटेंड करूँगा मैं। सो गाइस, इतना जो एरिया अभी के लिए काफ़ी है, एंड ये कॉपर को हटाऊँ सबसे पहले तो, इसकी जगह मुझे स्टोन लगाना है अब, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे करके ना यहाँ पे ऐसे बस, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा मैं लैडर्स लगाने वाला हूँ ऊपर जाते सबसे पहले। एंड अब भी मेन काम है जो है विलेजर्स को यहाँ पे लाना, एंड मेरे को एक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा विलेजर्स को दिलाने के लिए,
बिकॉज इनका जो है ना ये लेक्टन, ये मैं कैसे लाऊंगा मुझे कोई ये बताएगा, मैं नहीं ला सकता ना, तो इसलिए मैं सबसे पहले जिन विलेजर्स से मैंने ट्रेड नहीं किया ना, जिनको मेरे को नहीं पता, सबसे पहले मैं उन विलेजर्स को लाने वाला हूँ। मेरी पिकेक्स की हालत आती होने वाली है, इसके ऊपर वो नहीं ना है वो क्या कहते हैं मन ब्रेकिंग या फिर मेंडिंग, सो ये तो होने वाली है आधी। एंड अभी मेरे को जाके फटाफट सबसे पहले मेरे को लगता है मेरे को बोर्ड चाहिएगा। एंड मैं क्राफ्टिंग टेबल नहीं लाया यार, अपने साथ बनाना पड़ेगा एक और। ओके सो गाइस मैं इस विलेजर को लाने वाला सबसे पहले, बट ये बैठ जाए इस बोर्ड के अंदर। हेलो भाई, हेलो बैठ जा तू यार फटाफट, फिर मैं तेरे को लेके जाऊँगा। नया घर बनाया तेरे लिए मैंने, वाह जा रहा है उधर घूमने जा रहा है अपना, वो बहुत अच्छी बात है। एंड इसको ऐसे धीरे धीरे करते करते मुझे नीचे लेके जाना है। एंड इसीलिए मैं कह रहा था यार ऊपर लेके जाना ना बहुत ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू नीचे लेके जाना। एंड मेरे को ये याद रखना कि मैं कहीं ज़्यादा नीचे ना ले जाऊँ उसको। ये कहाँ पे अड़ रहा है ये बंदा, वाह पेड़ के अंदर घुस रहे हैं हम। एंड यहाँ से तो ये नीचे नहीं जाएगा ना, आई थिंक सो नहीं जाएगा, मुझे सबसे पहले उतरना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं गलत हो गया, थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं। एंड यहाँ पे अटक चुका है और ये क्राफ्टिंग टेबल बीच में आ रही है। आ टूट जा। ओके नहीं अभी भी नहीं, मैंने वो ड्रॉप कर दिया रहा है एक्स अपनी। ओके मैं इसके लिए इस डबल जगह आई थिंक सो चाहिए होगी मेरे, आई होप चला जाएगा। एंड लेट्स गो, पानी भर चुका है इधर पूरा। ओ भाई यहाँ पे अंधेरा, तो को डैमेज कैसे पड़ रहा है? हेलो ओ भाई मेरे से डैमेज पड़ रहा है क्या? तो इधर है भाई। ओके बोर्ड था इधर, एंड अब ये इधर ही रहेगा। बट यार मेरे पीछे पीछे ऊपर ना जाइए, यार बहुत पंगे हैं। एंड यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो जाए, इसके लिए मुझे टॉर्च चाहिए। टॉर्च के लिए कोल नहीं है मेरे पास, कोल है बट पिकेक्स नहीं है मेरे पास। सो ओके नाइस, तू भी टूट जा, नाइस। एंड अभी मुझे चाहिए होगी 8 टॉर्चेस, 1 2 3 4 लेट्स गो। एंड 2 टॉर्चेस इसके पीछे लगाने वाला हूँ, एंड आगे तो नहीं लगा सकता, एक इधर एंड एक इधर, ओ नहीं इधर। ओके सो ये बंदा इधर बैठाएगा आई थिंक सो। अब यहाँ से हिलियो मत तू, मैं बता रहा हूँ। एंड ऊपर रात हो रही है, सो सुबह करता सबसे पहले एंड देन मैं विलेजर्स को लाता हूँ। ओके मैंने दूसरे विलेजर को इधर ही कहीं पे देखा है एंड वो उधर भाग रहा है, वाह। अरे तो बोट में आके बैठ जा आराम से। अबे ओ भाई साहब ये तो गड्ढे में घुस गया, अभी बाहर कैसे भाई, कहाँ जा रहा है? ये तेरा सीक्रेट अड्डा है क्या? ओ भाई साहब इसने यहाँ पे सीक्रेट अड्डा बना के रखा है। एंड यहाँ से भाई केव जा रही है अंदर, मैं मर जाऊंगा। अबे वो भाग गया भाई, तेरे सीक्रेट लोकेशन मेरे को पता चल गई है, अब कोई फायदा नहीं है। सो प्लीज बैठ जा, यहाँ पर जगह नहीं है बोट रखने की, बैठ जा। बैठ गया, लेट्स गो। एंड यार मुझे वही लग रहा था। एंड अभी मैं इसको ऊपर कैसे लेके जाऊंगा, इसके लिए ना मुझे ना भाई क्या शेट, ये ब्रिज बनाना पड़ेगा उस तरफ के लिए बिकॉज ओके मैंने यहाँ पे ब्रिज बना दिया। अभी आई थिंक सो ये आ सकता है, आ जा भाई प्लीज, इधर इधर इधर। एंड लेट्स गो भाई, नीचे मत गिरियो बिल्कुल भी, इधर 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 इधर, आराम से आराम से। एंड वो एंडरमैन है, उसको मेरे को नज़रअंदाज करना है। ओके लेट्स गो, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एंड ये भी आ चुका है हमारे यहाँ पे। एंड यहाँ से उतरना है मेरे को, उतर। अबे दोनों बैठ गए, मिलने आया था उसको। एंड मैं इसका ना यहाँ पे स्टोन कटर भी ले आया हूँ, एंड इसको मैं इधर लगा देता हूँ। एंड अपना तुम लोगों में से जो भी तू जा ले ले। एंड अभी मेरे को क्या दे रहे, क्ले के बदले एमरल्ड वगैरह, तो इसके लिए मेरे को ना लाइब्रेरी बनाने का सोच रहा हूँ उसको मैं। सो सबसे पहले मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। 2 विलेजर्स और हैं जो कि मैंने उस घर के अंदर ट्रैप किया हूँ ऊपर, जो लूम है ना उनके लूम से पता नहीं वो क्या बनते हैं, जो भी बनते हैं। सो उनको ट्रैप किया हुआ मैंने, मेरे को उनको भी लाना है इधर। सो फटाफट से लाता हूँ उनको भी। ओ भाई ये भी एक और आ चुका है विलेजर, एंड इसको भी इसकी बोट तोड़ते हैं। ये मेरे को आवारा मिला था, नहीं शायद से क्या क्या बोल रहा हूँ मैं।
ये मतलब नॉन जॉब्ड विलेजर था इस ओके एंड वो दोनों लूम वाले बंदे अभी तक नहीं लाया मैं। भाई वो बाहर मत आ जाए, मेरी गेम बहुत गंदी लैग होती है। एंड मैं नीचे आ गया, वो बाहर ना चले थे। लेट्स गो, आई डोंट थिंक सो कोई बाहर आया और ना ही आना चाहिए। एंड फटाफट से यार मैं उन दोनों लूम जो वो क्या कहते हैं यार वो लूम वाले विलेजर्स, मैंने उनका नाम ही लूम वाले विलेजर रख दिया है, उन दोनों को भी लाते हैं फटाफट से। ओके गाइस, यहाँ पे मैं ये दोनों लूम वाले विलेजर्स को भी ले, एंड इनका लूम भी आके इधर रख दिया, यहाँ पे इधर ही रख दिया लूम इनका। एंड अभी जो ये दोनों बंदे हैं ना, ये विदाउट प्रोफेशन है, तो इनके लिए भी मेरे को कोई ना कोई जॉब लेके आनी पड़ेगी। एंड मेरे दो लाइब्रेरियंस और एक फ्लेचर जो है ना वो वहीं पे हैं, सो आई डोंट थिंक सो जरूरत है उनको भी लाने की। वैसे मैं अपना यहाँ पे ना ट्रैप डोर लगा देता हूँ, ऐसे ही बनता है ना ट्रैप डोर। लेट्स गो। हाँ, अरे क्या घटिया ट्रैप डोर बना दिया मैंने, अरे कहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। ओके आई थिंक सो इतना काफ़ी है, मेरे को दो ब्लॉक्स का ही चाहिए बाय द वे। मैं इसको बाद में सारा कर दूंगा, पर विलेजेस लाने के लिए मेरे को ना इधर करना पड़ेगा सारा। एंड मेरे को भी ना 6 पड़ी है मेरे पास, सो स्टेयर भी बनानी है। विलेजेस ना जाए ऊपर, और ये एंड इनफ है क्या? हाँ बस ठीक है, एंड ट्रैप डोर ऐसे बंद कर दूंगा। तो अभी मेरे को ऑफिस जाना है सोने, एंड उसके बाद मैं थोड़ी ट्रेड करने वाला हूँ इनसे, ट्री वगैरह काट के। गाइस, ये बंदा मेरे को इधर प्रोवाइड कर रहा है एक्वा अफिनिटी, जबकि पहले ये दे मेरे को दे रहा था लूटिंग 3। एंड कुछ भी अपने आप ही ट्रेड, उसने भी ट्रेड चेंज कर दी थी। एंड भाई मैं क्या बोलूँ अब इससे, मुझे ना दोबारा से कुछ सही बुक चाहिए। मैं इतनी घटिया बुक नहीं, आई मीन ये भी ठीक बुक है बट फिर भी मुझे इतनी घटिया बुक नहीं लेनी। मैं इससे ना बुक चेंज करूँगा बहुत ज़्यादा, एंड मैं इससे मेंडिंग लूँगा। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है कहते हैं मेंडिंग लेना, बट मैं कोशिश करूँगा इससे मेंडिंग मिल जाए। मैं सोचा कि अभी फिलहाल के तो बहुत घटिया घटिया बुक्स दे रहा है, तो मैं इसको ना वहीं पे ले जाता हूँ, एंड फिर उसके बाद इससे कोई सही बुक लूंगा। आजा बाहर भाई, तो चल चल बाहर, बोट में बैठ जाइयो चुपचाप। बोट में बैठ जा, ज्यादा नीचे मत जाइए। भाई वहां पे चढ़ जाना। ओके इधर आइए, ये बंदा आ जा। हेलो, बैठ, मारूंगा मैं इसके एक दो। ओके गाइस, तो जो वो बंदा है वो भाग चुका है, पता नहीं कहाँ पे भाग गया है, बट यहाँ पर भी नहीं है अंदर, और इधर नीचे भी नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा है इसको, एंड घर के अंदर तो वैसे ही नहीं जा सकता ना, आई डोंट थिंक जा सकता है। और इधर इधर कहीं पे दिख नहीं रहा मेरे को, आई डोंट नो कहाँ भाग गया वो, अपना विलेज अपने घर छोड़ के भाग गया वो। चलो कोई बात नहीं, ये लैटर मैं दूसरे विलेजर्स को जाके देता हूँ ताकि वो कुछ सही ट्रेड करें। ओके गाइस, जो अभी ये वाला विलेजर है ना, ये मेरे को दे रहा है फायर एस्पेक्ट 1, सो इन दो बुक्स लेके मैं कंबाइन करके बना लूंगा फायर एस्पेक्ट 2, तो वो चलो ठीक है। एंड अभी मैं ऊपर जाके ना जो अपना दूसरा विलेजर है ना उससे स्टिक्स की ट्रेड करने वाला हूँ। मैं कोई और एमरेल्ड चाहिए ताकि मैं इंचैंट कर सकता हूँ अपनी चीज़ें। ओके तो मैंने ट्रेड कर करके ना 32 एमरेल्ड ले लिए हैं, एंड अभी मेरे पास जो है स्टिक्स बची हैं, पर ये और ट्रेड नहीं कर रहा, बस बोल रहा है बहुत है, बहुत ले लिए एमरेल्ड खत्म है इसके पास। एंड इसको मैं फिलहाल के लिए इधर ही रहने दूंगा, इसको बंद करते हैं। एंड ना मेरे को जाके सोना पड़ेगा इधर सबसे पहले। अरे वो गाइस, जो वो बंदा भाग गया था ना जिसको मैं बोल रहा था भाग गया, वो जाके बच चुका है, वो क्या कहते हैं इसको फार्मर। एंड ये बीट रूट है, एंड बीट के बदले दे रहा है मेरे को सारा एमरल्ड वगैरह। ओके सो अभी जो मेरा वो फ्लेचर है ना, मैं उसको भी वहीं पे लेके जाने वाला हूँ उन सभी के साथ। एंड उसका जो मतलब इन सभी के लिए बेड्स भी लेने हैं मेरे को, घेबल्स तोड़ के ना इसी को बेचूंगा 20-20 वीट करके ना मेरा फायदा होगा बहुत ज्यादा। मेरे पास 5-6 विलेजर है, तो मैं 6-7 बेड्स लेके जाता हूँ। एंड ओके, इसको सबसे पहले लेके जाना पड़ेगा।
ओके गाइस, मैं इसको ले आके यहाँ पे ले आया हूँ। एंड क्या हो रहा है, तेरे को डैमेज क्यों पड़ रहा है? मेरे को ऊपर जाके ये बंद करने पड़ेंगे सबसे पहले बॉट। ओके, डर्ट किधर है तेरी? एंड ये बंद हो गया। एंड मेरे को खुद अभी अंदर जाके इसका जो ये टेबल है, फ्लचिंग टेबल, इसको रखना है, इधर रख देता हूँ, ठीक है। एंड अभी ना मेरे को जो वो बुक चाहिए लेनी पड़ेगी, बट उससे पहले जो मेरा एक ये वाला विलेजर है ना, इसको भी मैं ना एक लाइब्रेरी बना देता हूँ। मेरे पास और भी लैपटन है। एंड तू लाइब्रेरियन बनेगा भाई? ये जॉब ही नहीं ले रहा है, लो नहीं बनना चाहता मैं, क्या करूँ उसमें उसको नहीं इंटरेस्ट किसी जॉब के अंदर, वो खुला ऐसे ही जानना चाहता है। अब मेरे को भाई बेड चाहिए इनके लिए, एंड मेरी इन्वेंटरी वैल्यू भरी हुई है बहुत ज़्यादा, तो बेड कहाँ से लाऊंगा मैं? सो इसको तोड़ते हैं। इसके पीछे कोई बंदा तो नहीं है? ओ है। एंड ये बंदा मेरे को, अभी मैं दिखाता हूँ मुझे क्या दे रही है, क्या नहीं, इतनी अच्छी चीज़ें देते हैं ना लोग, क्या बताऊँ मैं। मेरी वो टूटी हुई है, आश। ओके, सो ये बंदा जो है ना, ये मेरे को प्रोवाइड कर रहा है इतना अच्छी चीज़, इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़। दोबारा दे कुछ ना कुछ सही सा। मैं काम करता हूँ, इसको भी उधर ले जाता हूँ। हाँ ये सही है, इसको भी उधर लेके जाते हैं एंड देन इसको बनाते हैं। ओके गाइस, ये वाली जगह मैंने इधर ले आया हूँ। एंड आई थिंक सो यही है ना वो, हाँ यही है, एक एक्वाइफिनिटी दे रहा है तू भाई। हेलो, तुम मत दे एक्वाइफिनिटी कुछ। अबे यार इधर इधर देखिए, इस पे इधर इधर, हेलो इधर भी रख देता हूँ मैं एक, चल। अबे यार हाँ चलो, उसने वो ले तो लिया, तो अभी इसको तोड़ूंगा मैं। अबे वाओ, ये इधर क्यों खड़ा है ये ले। एंड अभी इससे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेड करनी पड़ेगी। जो ये वाला बंदा है ना, ये तो फायर इफेक्ट दे रहा है, तू क्या दे रहा है? हाँ ये तू फायर इफेक्ट दे रहा है, और ये मेरे को रिप्टेड सिटी दे रहा है 29 के अंदर, क्योंकि मैंने इसको बहुत गलती से, बहुत नहीं गलती से हिट कर दिया था। एंड मैं फिर से भाई बेड्स नहीं लेके आया इन लोगों के लिए, अब मुझे बेड्स इकट्ठे करने हैं सबसे पहले। मैं इन सभी के लिए ना बेड्स लेके आ गया हूँ, एंड मुझे नीचे जाना पड़ेगा सबसे पहले तो बेड्स देने के लिए इनको। ओके, एंड ये रहा इनका। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं पता मेरे को। मैं इनके लिए एक रख रहा हूँ, दो रख रहा हूँ, डिज़ाइन के वाइज रखते हैं ना, डिज़ाइन वाइज। गलत 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 गलत, उठो सभी उठो सभी उठो सभी उठो सभी उठो सभी उठो सभी उठो सभी, मर कैसे रहे हो तुम लोग? तो है, हेलो, तू कहाँ से आया हुआ? हेलो, ओ भाई कहाँ से आ गया? अबे यार इसके अलग ही चल रहे हैं इधर। अबे यार, जिसने सोना है सो, जिसने नहीं सोना है मत सो, मैं मना नहीं करता हूँ तुम्हें। ऐसे ये लो, पांच विलेजर्स, तू अकेला बचा है, वो उन सभी को सोने दे। अबे वो बेड दिख नहीं रहा तेरे को, अंधा है। ओके, अब से विलेजर्स को मारना बंद, बिल्कुल बंद, बिल्कुल भी नहीं हाथ लगेगा इनको, कोई नहीं हाथ लगा पाएगा। मैं बिल लगा पाऊंगा। एंड लेट्स गो, मेरे को सोना है एंड यहाँ बेड वगैरह नहीं है, सो अपने घर जाके अब ऐसी बातें सोता हूँ। सो ओके गाइस, यहाँ पे सुबह हो चुकी है। एंड मैं जो है अभी यहाँ इनकी जो हेबल्स है, इन सभी को तोड़ने वाला हूँ, हेबल्स से मेरे को, ताकि मैं उस विलेजर के साथ ट्रेड कर पाऊँ जो अपना है फार्मर। एंड जो मेरे को ब्रेड भी चाहिए इन लोगों को ब्रीड कराने के लिए। भाई कहाँ कहाँ छुपा के रखे इन्होंने हेबल्स। लेट्स गो भाई, काफ़ी जल्दी रूट रहे हैं लीव्स। ओह वाओ, एंड अभी आई थिंक सो सारी हेबल्स आ गई हैं। सबसे पहले तो मुझे इन सभी को ना बनाना पड़ेगा। ओके, ज़्यादा ही बन गई है। एंड वो रहा क्राफ्टिंग टेबल। ओके, यहाँ पे मैंने 21 प्लेट बना लिया। एंड अभी मैं इनको जाके वो करने वाला हूँ, फीड करने वाला हूँ।
ओके, अभी मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे तो फेंकने वाला हूँ कहीं ना कहीं पे, तो कहाँ कहीं ना कहीं पे तो जा ही नहीं है प्लेट आई थिंक। ओके, आई थिंक सो मैंने फेंक दिए हैं, इन लोगों ने उठा लिया एंड अभी मेरा टाइम है ऊपर जाने का वापस से। लेट्स गो। एंड अभी मैं उस ना जो फार्मर है ना उसको उसको ढूंढ के ना उससे वो ट्रेड करने लगा हूँ वीट की। ये बंदा जो है ये अपग्रेड कर दिया मैंने एंड ये पम्पकिन पाई दे रहा है अब। ओके, ये इससे अभी मुझे मिल चुके 37 एमरल्ड्स। ओके, अभी मैं ना नेदर में जाके ना थोड़ा सा ना वो करने वाला हूँ, एक्सपी लेने वाला हूँ एंड अपनी एक्सपी जब 30 हो जाएगी ना तो मैं अपनी स्वॉर्ड को इंचैंट करने वाला हूँ। देन मैं इन सभी से ना वो लूँगा फायर एस्पेक्ट की 2 बुक्स लेने वाला हूँ एंड उसको कंबाइन करके फायर एस्पेक्ट 2 अपने स्वॉर्ड पे लगाऊंगा। एंड फिर मैं जब यू नो एनिमल्स वगैरह को मारूंगा ना तो मेरे को फूड कुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को कुक्ड फूड ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं जाके वो करता हूँ, एक्सपी बढ़ाता हूँ। सो ओके गाइस, मैं वापस आ गया हूँ, अपनी मेरी एक्सपी हो चुकी है 32 एंड अभी मैं इंचेंट करने वाला हूँ। एंड मैं प्लीज अभी सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा मिले बिकॉज अभी मैं इंचेंट करने वाला हूँ, जो मर्जी मिले मेरे को ना। एंड प्लीज सबसे पहले क्या मिल रहा है, शार्पनेस 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा नो घटिया इंचेंटमेंट। शार्पनेस 1, शार्पनेस 1, शार्पनेस 3 मिल रही है। अब मैं ही भी इसमें क्या करूं बताओ मुझे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। व्हाट, लूटिंग 2, ओ माय गॉड, शार्पनेस 3 से लूटिंग 2 मिल गई। लेट्स गो, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। एंड आई थिंक सो, नहीं मेरे पास बुक्स नहीं पड़ी। ओ शेट, लेदर पड़ा है। अभी मुझे वहाँ से क्या कहते हैं शुगर केन आई थिंक सो लाना पड़ेगा, पेपर चाहिए होगा ना मेरे को। हाँ, सो क्या करना है अभी, फटाफट से शुगर केन लाता हूँ और बुक बनाता हूँ। सो ओके गाइज, मैं वहाँ से जो है ना शुगर केन ऑन करके लिया, मेरे को 13 शुगर केन मिले हैं एंड इनका भी मैं पेपर बना के इनकी सभी की बुक्स बनाने वाला हूँ एंड देन उनके साथ मैं वो ट्रेड करने वाला हूँ फायर एस्पेक्ट। ओके, मैं अभी देखता हूँ कि इनमें से कौन सा जो है हमारा लाइब्रेरियन है एंड ये दोनों लाइब्रेरियन है हमारे ये। तो भाई हेलो, ये ट्रेड क्यों किस खुशी में चेंज कर लेता है यार। एंड ये बंदा रिप्टाइड 3 दे रहा है और इसने ट्रेड किस खुशी के अंदर चेंज कर लिया भाई, मतलब मैं इसको भाई मैं इसका लेक्टिन कहाँ पे है यार, इसको तोड़ना पड़ेगा। अबे यार, अब दोबारा देखते हैं इससे क्या सही मिलता है घटिया से। सो के गाइस, ये जो बंदा है ना ये मेरे को ना फॉर्च्यून 3 दे रहा है 14 एमरल्ड्स के अंदर एंड जो कि बहुत अच्छी बुक है जिससे यू नो ओर्स वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो मैं इससे एक ये लेने वाला हूँ, फॉर्च्यून 3। लेट्स गो, मिल गई है फॉर्च्यून 3 एंड अभी आई डोंट थिंक सो ये अब मैं दोबारा तोड़ूंगा तो कुछ सही करेगा। एंड जो दूसरा हमारा लाइब्रेरियन है ना ये रिप्टाइड वगैरह दे, मैंने लोगों को ना ब्रेड दी है पर ये लोग पता नहीं क्या है, ब्रेड ही नहीं कर रहे हैं, पागल हो गए सही में, क्या कर क्या रहे हैं मुझे नहीं पता। वाह, मैंने यहाँ पे रैक्टन लगा दिया एंड इसको सबसे पहले यहाँ से हटाता हूँ एंड अब फटाफट से अपने पिकेक्स पे जाके ना फॉर्च्यून 3 को लगाता हूँ। सो गाइज, अभी मैं लगाने वाला हूँ अपने इस एनविल की हेल्प से अपने पिकेक्स पे फॉर्च्यून 3, बट ये लग क्यों नहीं रही है, व्हाट, ये नहीं लग सकती क्या, व्हाट, क्या हो रहा है, मेरा सर्वर लैग हो रहा है क्या, नहीं लग सकती है, व्हाट, ये क्यों नहीं लग रही, आई डोंट नो, मैंने ले तो लिया बुक बट ये लग क्यों नहीं रही है। हेलो भाई, अब यार ये क्या है, हाथू भाई मैंने फालतू में लिए।
एंड बाय द वे मैं एक और पिकेक्स बनाने वाला हूँ बिकॉज सिल्क टच वाली है, स्लिंट टच के बिना मेरे को पिकेक्स चाहिए एक। सो कोई बात नहीं, मैं उसके अंदर लगा लूँगा इस एन्चेंटमेंट को और मैं किसी पे ही कर सकता हूँ और आयरन पिकेक्स में तो लगा नहीं सकता वो फालतू। ओके सो ओके गाइज, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।